वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक ने आज 50 की लेवल यहाँ पे देख सकते टच करता हुआ नजर आ चुका है। तो न्यूज़ के ऊपर सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे कि कोई खास न्यूज़ है क्या। तो देख सकते कि PNB बैंक एडेड टू लिस्ट ऑफ 7 स्टॉक्स अंडर F1। यहाँ पे देखा जाए तो कोई खास न्यूज़ सामने नहीं आ रही पंजाब नेशनल बैंक के लिए। तो रिसेंटली देख सकते हैं कि आज के दिन की जो मोमेंट है उसके ऊपर नजर डालेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लोजिंग थी 48.20, आज ओपन हुआ था स्टॉक देख सकते हैं गैप अप से होने के बाद जो है प्रीवियस क्लोजिंग का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगा, वही से तेजी देखने को मिली। और देख सकते फिर यहाँ पे देख सकते कि नया 52 वीक हाई भी देखने को मिला था 50.35 का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो आज का हाई हुआ 52 वीक हाई सेम है, तकरीबन 50 लेवल के यहाँ पे टच किया था स्टॉक ने। पर 50 लेवल के ऊपर ब्रेक करके ऊपर सेटल होता है स्टॉक थोड़े दिन तो और ऊपर जाने के चांसेस जो है बढ़ सकते हैं। मार्केट कैप भी देख सकते हैं बढ़ चुके हैं 55,000 करोड़ की हो चुके हैं। पी रेशियो 23 का है और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आप देख सकते थे 1.27%। लास्ट 5 डेज की भी बात की जाए तो स्टॉक के अंदर तेजी 15% की तेजी देखने को मिले पूरे 1 वीक में। तो देख सकते कि वॉल्यूम जो है आज के दिन का 6 करोड़ यहाँ पे 69 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है टोटली। वॉल्यूम के साथ ट्रेडेड वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे आप देख सकते कि 33,076 लाख का ट्रेडेड वैल्यू है। बाइंग के लिए देख सकते कि 89 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है, पर सेलिंग के लिए जो है तो यहाँ पे 1 करोड़ 22 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है। मीन टोटली यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलिंग की क्वांटिटी बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो सेलिंग का प्रेशर भी बढ़ सकता है। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि मंथली रजिस्टर 2 जो है 50.4 पे है, तो उसी के करीब जाके रजिस्टर ले रहा है। पर 50 लेवल पे हमने पहले भी कहा था कि एक रजिस्टर लग सकता है 50 लेवल पे, पर जब 50 लेवल ब्रेक होकर ऊपर सेटल होता है स्टॉक तो ऊपर जाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे।